मार्केट से सब कोई पैसा कमाना चाहता है, एवरी वन ऑफ अस। आपने कभी किसी से मुलाकात की है जो बोलता है मैं मार्केट में खोना आया हूँ? नहीं, करोड़ों लोग हैं मार्केट के अंदर में और सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या सब पैसा कमा पाएंगे? हो सकता है शॉर्ट टर्म में सभी कोई कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली वही पैसा कमा सकता है जो ये तीन चीज़ों पर ध्यान रखता है। पहला, नॉलेज। नॉलेज मतलब अभी जो सीखना है और कंटिन्यूसली जो सीखते रहना है। अभी जो सीखना है वो तो एक बेस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, चाहे वो फंडामेंटल, टेक्निकल या कोई भी नॉलेज आप ले लीजिए, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे सीखते रहना किताबों के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मार्केट नॉलेज का। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सही इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप बैठे हैं? अगर आप फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, मेरा लैपटॉप है, यहाँ ट्रेडिंग टर्मिनल है, यहाँ मैं किताबें या कुछ भी जो हमारे ई बुक्स है वो भी मैं रख रखा हूँ और कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ, और ट्रेडिंग टर्मिनल पे जब ट्रेड आइडिया जनरेट होता है तो ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरा एक डबल स्क्रीन है, क्योंकि मैं फुल टाइम हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए जहाँ पर मैं अपने एक्टिविटीज़ को देखते रहूँ। डबल स्क्रीन में मेरा चार्ट है, क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ तो मुझे चार्ट देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा मेरे टूल्स हैं, जिन टूल्स से मैं फायदा उठाता हूँ मार्केट में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने का। तीसरा, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, नेटवर्क। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मार्केट में जो मुझे कह दे कि मैं अपने रूम में लैपटॉप के सामने बैठ के ही सिर्फ ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहा हूँ। नहीं हो सकता है। शेयर बाजार के अंदर में बड़ा पैसा कमाना है तो सही नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। नेटवर्क हर तरह से क्रिएट किया जा सकता है। सोशल मीडिया अपने आप पे एक नेटवर्क क्रिएट करने का तरीका, आपका फ्रेंड्स ग्रुप नेटवर्क करने का तरीका है, स्टॉकेज सोशल जो हमने बनाया है वो एक नेटवर्क क्रिएट करने का तरीका है, जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट ओरिएंटेड डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क, ये किन कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ये एक परफेक्ट सेटअप नहीं क्रिएट करते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालिए, लैपटॉप खरीदिए, डेस्कटॉप खरीदिए, मैं अभी एकदम नहीं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ये सब बोलने की, बट इवेंचुअली आपको एस्पायर करना चाहिए कि आपका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएटेड है कि आपको नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क, इसका एक कॉम्बिनेशन का बेनिफिट मिले। ईलन मार्केट्स में नॉलेज बहुत है, फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और नेटवर्क में स्टॉकेज सोशल जो हमने बनाए हैं उसमें आप पार्ट बन सकते हैं, या जो मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ भी आप अपना नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं। ये तीन कॉम्बिनेशन को अच्छे से बनाइए, मार्केट में आराम से आप आउटलायर्स बन सकते हैं। जो कॉमन आदमी जो पैसा शायद खोने आ रहा है, या अभी नहीं खो रहा होगा बट इवेंचुअली खोएगा, आप एक आउटलायर बन सकते हैं और रेगुलर पैसा कमाने का एक जो जज्बा है उसको आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे मैं किन क्या बोलना चाह रहा हूँ और इसको अपने जीवन में मार्केट के एक जर्नी में इसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल मार्केट पार्टिसिपेंट के रूप में अपने आप को उभार पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों चैनल देखने के लिए, और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से लगे रहिएगा। बाय बाय।